आईसीसी ने 2024 के वर्ल्ड कप के शेड्यूल अनाउंस कर दिए और फिक्सर जो है वो अनाउंस कर दिए। वही इस मरतबा जो है वो आईसीसी वालों ने 4 ग्रुप बनाए हैं जिसमें 20 टीमें हैं। वही पाकिस्तान की टीम की ग्रुप की बात करेंगे यार, बाकी जो है बाद में पाकिस्तान के ग्रुप में कौन सी खतरनाक टीम है उस हवाले से बात करेंगे। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले भाई क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया तो चलिए शुरू करते हैं। यार वर्ल्ड कप यकीन करो T20 का वर्ल्ड कप वो भी न्यूयॉर्क के बंदे आएंगे भाई, वो बनाने वाला है न्यूयॉर्क में और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज में यानी कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में इस मरतबा जो है वो वर्ल्ड कप होने वाला है। और आईसीसी वालों ने भाई शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि भाई पाकिस्तान का मैच इस तरीके होगा, पाकिस्तान का दूसरा मैच इस तरीके होगा, पाकिस्तान की टीम जो है वो किसके साथ मुकाबला करेगी भाई आज हम जानते हैं। तो भाई 4 ग्रुप बनाए हैं आईसीसी वालों ने और 20 टीमें जो है वो हिस्सा ले रही है जिसमें युगांडा, यूएसए, कनाडा, पता नहीं कौन कौन सी टीमें जिसे हम जानते भी नहीं है, जिसे मुझे यार पता भी नहीं है कि इन खिलाड़ियों का नाम क्या है। तो भाई वो टीमें आने वाली है। तो यार पाकिस्तान के ग्रुप की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के ग्रुप की अगर हम बात करें भाई, पाकिस्तान के ग्रुप को नाम दिया है ग्रुप ए और पाकिस्तान के ग्रुप में टोटल 5 टीमें होंगी यानी कि पाकिस्तान की टीम को मिलाकर 5 टीमें होगी, बाकी जो है वो 4 टीमें हैं। तो पाकिस्तान के ग्रुप में कौन कौन सी टीमें हैं नाम सुनिए भाई, आयरलैंड पाकिस्तान ग्रुप में होंगे, कनाडा पाकिस्तान के ग्रुप में होंगे, यूएसए पाकिस्तान के ग्रुप में होंगे और आखिरी टीम इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में हमेशा ही देखने को मिलती है। यार हम जो है वो पड़ोसी है तो भाई साथ ही पांच सेमीफाइनल तक जाएंगे और दूसरी टीमों को हराएंगे फिर फाइनल में मिलेंगे। यार ये तो हमारी और इंडिया की मोहब्बत है कि यार हम साथ होते हैं तो भाई इंडिया भी हमारे साथ ही होगी। और भाई अगर मैचेस की बात करें तो भाई पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो है यूएसए के साथ यानी कि 6 जून को हमें पाकिस्तान का पहला मैच हमें देखने को मिलेगा दलास में और साथ ही साथ पाकिस्तान का दूसरा मैच 9 जून को किसके साथ भाई, भारत के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ है हमारा दूसरा मैच। यकीन करो मुझे 2022 वाला वर्ल्ड कप याद आ जाता है जब हम आ रहे थे, सिर्फ एक बंदे ने हमारी शामत मनवाई थी, यकीन करो उस बंदे का नाम है किंग विराट कोहली। अगर वो किंग विराट कोहली ना होता तो आरिस रव को वो छक्के ना पड़ते, शाहीन शाह अफरीदी को वो छक्का ना पड़ता, वो नो बॉल ना होती, नवाज जो है वो मैच जितवा देती। यकीन करो यार इंडिया को मैचेस जितवाए वो हमारे खिलाफ तो सिर्फ विराट कोहली ने ही जितवाए हैं, क्योंकि अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं तो इंडिया की टीम हमारे सामने फ्लॉप हो जाती है। तो इंडिया को शुक्र गुजार होना चाहिए कि यार उनकी टीम में विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर मौजूद है। तो यार अब देखना ये होगा कि विराट कोहली इस मरतबा खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो भाई पाकिस्तान के अगर तीसरे मैच की बात करें तो पाकिस्तान का तीसरा मैच है कनाडा के साथ 11 जून को न्यूयॉर्क के मैदान में। भाई पाकिस्तान के चौथे मैच की बात करें तो पाकिस्तान का जो चौथा मैच है वो है आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को लाउडर हिल पे। तो भाई ये भी यूएसए वाली जगह होगी जहां पर पाकिस्तान का मैच होगा। तो भाई पाकिस्तान टीम के जो है वो टोटल 4 मैचेस होने हैं। पहला मैच होगा यूएसए के साथ, दूसरा मैच होगा भारत के साथ, तीसरा मैच होगा कनाडा के साथ और आखिरी मैच होगा आयरलैंड के साथ। अगर मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तान टीम को इस मरतबा लीड करेंगे हमारे दी कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। भाई इस मरतबा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं। पिछली मरतबा बाबर आजम ने किया था, फाइनल तक पहुंचाया था लेकिन फाइनल में हम जीत नहीं पाए थे, कुछ इंजरी सामने आ गई थी। लेकिन इस मरतबा जो है वो बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई है क्योंकि जहां पर मैचेस होनी है वो है सिर्फ एशियन कंट्रीज की फेवरेट जगह, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि एशियन कंट्रीज वगैरह जो है वो कामयाब रहती है। तो भाई बहुत मजा आने वाला है, न्यूयॉर्क में भी हमें मैचेस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दलास में भी मैचेस देखने को मिलेंगे, वेस्ट इंडीज में मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस साल के वर्ल्ड कप 2024 में और हमारे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनाने वाला है। तो भाई आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।